Hello students, in today's video I'm going to perform an activity to show that air is present in soil. हमने अपने first chapter में preparation of soil के बारे में पढ़ा था. कभी भी crop production में जो first activity होती है वो होती है preparation of soil. Preparation of soil means loosening of soil. अब soil की loosening कैसे की जाती है? प्लॉ करके की जाती है, फिर उसकी लेवलिंग होती है, फिर उसमें मैन्योर को डाला जाता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है, आता है कि ये जो सॉइल की लूजनिंग होती है ये बेनिफिशियल क्यों है, क्यों हम सॉइल की लूजनिंग करते हैं. तो सबसे पहली जो बेनिफिट है कि ये जो लूज सॉइल होते हैं ये प्लांट रूट को अलाउ करते हैं डीप जाने में, सॉइल में डीप तक पहुँचने में उसको एक ईजी पाथ देते हैं. ओके, एंड जितना डीप प्लांट का रूट जाएगा वो इतनी फार्मली ग्राउंड पे खड़ा रहेगा. ओके, सेकंड, लूज सॉइल अलाउ द रूट ऑफ प्लांट टू ब्रीद इजीली. अगर लूज सॉइल है तो उसमें क्या होंगे, प्लांट्स के रूट इजीली ब्रीद करेंगे इवन व्हेन रूट्स आर डीप. जितनी भी रूट डीप में चली जाए तो उस डीप सॉइल में भी क्या होंगे, एयर होंगे, जिससे रूट भी इजीली ब्रीद कर पाएगा. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये लूज सॉइल ऐसा क्या है लूज सॉइल में. तो लूज सॉइल क्या कर सकता है, बहुत सारी एयर के पार्टिकल को होल्ड कर सकता है. ठीक है, लॉट ऑफ एयर इन इट्स स्पेस मीन्स सॉइल के अंदर जो स्पेस होती है उसमें बहुत सारे एयर जो हुए हैं ट्रैप हो सकते हैं. ओके, साथ ही साथ जो लूज सॉइल होता है इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ वॉर्म्स एंड माइक्रोब्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर फार्मर्स ऑफ सॉरी दे आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स. ठीक है, अब क्यों इनको फ्रेंड्स बोला जाता है, क्योंकि वो सॉइल की लूजनिंग एंड टर्निंग में हेल्प करते हैं फार्मर को एंड साथ ही साथ ह्यूमस भी ऐड करते हैं सॉइल में. ओके, तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. इसके लिए मैंने क्या किया है, वाटर लिया है, ग्लास ऑफ वाटर एंड मैंने सॉइल लिया हुआ है, ड्राई सॉइल लिया हुआ है. अब मैं क्या करूँगी, इस सॉइल को वाटर में डालूँगी. आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ क्या चेंजेस हो रहे हैं. आप ऑब्जर्व करोगे कि इनकी इस वॉल पे आप देखोगे, सबसे पहले ये वॉल के पास क्या होंगे, छोटे छोटे बबल्स आपको दिखाई देंगे. ये बबल्स क्या होते हैं, एयर बबल्स होते हैं. जैसे ही मैंने वाटर में सॉइल को डाला, इस सॉइल में जो प्रेजेंट एयर है वो स्केप हो जाता है, बाहर की तरफ भागने लगता है. दैट्स वाई छोटे छोटे हमें बबल्स दिखाई देते हैं. तो ये क्या कंफर्म कर रहा है, ये कंफर्म कर रहा है कि सॉइल जो है इसमें एयर प्रेजेंट होती है. साथ ही साथ मैं एक एक्टिविटी के बारे में आपको और बता रही हूँ कि जो वाटर होता है उसमें भी एयर होती है. इसको कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं, आप एक कंटेनर में वाटर लीजिए और उसको हीट कीजिए. जब हीट करोगे तो आप देखोगे सबसे पहले कंटेनर की वॉल के ऊपर कुछ बबल्स दिखाई देंगे. तो वो बबल्स किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वाटर में भी एयर प्रेजेंट होता है. एंड जैसे ही आप हीट सप्लाई करते हो वाटर को तो वाटर के अंदर जो एयर होता है ना वो स्केप हो जाता है, बाहर की तरफ भागने लगता है. ठीक है, तो ये कंफर्म करता है कि वाटर आल्सो कंटेन्स एयर. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एक्टिविटी.